हाँ, वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। वैदिक सभ्यता का यानी दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हम आपको ऋग्वेद के बारे में बताए थे, उसके बाद है ना का वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद के बारे में बताए थे। ऋग्वेद का जो हम पहले उपवेद था आयुर्वेद, जिसका प्रवर्तक विश्वामित्र थे है ना, और उसके बाद क्या है जो ऋग्वेद में आर्यों के मतलब क्या है, जो राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलता है। तो आज हम दूसरा पार्ट बता रहे हैं क्या है जो ऋग्वैदिक काल का दूसरा, ऋग्वेद के बाद सामवेद। सामवेद, ये सामवेद में सर्वप्रथम क्या है जो, सर्वप्रथम सात स्वरों की जानकारी जानकारी सामवेद में मिलता है। ठीक है, और सामवेद में मतलब क्या है जो, सामवेद भारतीय संगीत के जनक, भारतीय संगीत के जनक सामवेद को माना जाता है। जो सामवेद का जो मंत्र है, ये किस देवता का उल्लेख है? तो सामवेद का मंत्र क्या है, सूर्य देवता के समर्पित है। सामवेद का मंत्र सूर्य देवता देवता के समर्पित है। ठीक है, सामवेद में मतलब क्या है जो, सूक्त की संख्या कितना है, 1810, और क्या है जो मंत्र कितना है, तो 1549। यानी क्या, सामवेद में क्या कितना मंत्र है, यानी सूक्त की संख्या कितना है, सामवेद में सूक्त की संख्या 1810। ठीक है, उसी तरह से क्या जो सामवेद में ऋचाओं की संख्या कितना है, तो 1549। ठीक है, तो सामवेद में ऋचाओं की संख्या 1549, 1549। ऋचाओं की संख्या 1549 है। ठीक है, सामवेद के अध्येता है ना, यानी कि आज जो सामवेद के मंत्र के पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहा गया, तो उद्गाता, यानी क्या हो गया, अध्येता क्या हो गया, सामवेद के मंत्रों के उच्चारण उच्चारण करने वाले पुरोहित को, पुरोहित या अधेता को क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्गाता। ये भी आता है कि मतलब क्या है जो सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले अध्येता को क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। ठीक है, सामवेद के ब्राह्मण यानी क्या, सामवेद के ब्राह्मण कौन है, पंचविंश, जिसे हम तांड्या भी कहते हैं है ना। तो यानी सामवेद के ब्राह्मण के ब्राह्मण पंचविंश, पंचविंश या तांड्या है, तांड्या। ठीक है, उसी तरह से सामवेद में उपनिषद, उपनिषद सामवेद में उपनिषद हो गया, छंद हो गए,
छंदोग्य और केन, सामवेद में उपनिषद, केन और छंदोग्य, ठीक है, यानी उपनिषद इसमें दो गो है, केन और छंदोग्य। पहले हम बता चुके हैं उपनिषद मिथो उप माने समीप होता है, निषद माने ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो गुरु के समीप रहकर सीखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जो आपका आरण्यक, जमनीय और छंदोग्य, यानी क्या है जो साम वेद के आरण्यक, आरण्यक ऐसा ऐसा शिक्षा है जो जंगल में ली जाती है, यानी तो यानी क्या हो गया सामवेद में, सामवेद में आरण्यक, जमनीय और छंदोग्य है, जमनीय और छंदोग्य, ठीक है। तो सामवेद में आरण्यक कौन है, तो जमनीय और छंदोग्य, ठीक है। उसके बाद क्या है जो आपका इसका उपवेद कौन हो गया सामवेद का, तो सामवेद का गंधर्व वेद क्या हो गया, उपवेद हो गया, जिसका जो प्रवर्तक कौन थे, तो नारद, ठीक है। तो चलिए अगला, सामवेद के उपवेद, उपवेद गंधर्व वेद है, गंधर्व जिसके प्रवर्तक नारद है, ठीक है। तो यह सामवेद का है, सामवेद। इसके बाद अब आपको बताएंगे यजुर्वेद, यानी तीसरा पार्ट, यानी हो गया ऋग्वैदिक काल का जो तीसरा पार्ट वेद है, है ना, वेद की संख्या चार थी, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो अब यजुर्वेद के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तीसरा यजुर्वेद, ये वेद गद और पद दोनों में लिखा गया, यानी क्या हो गया, कविता और कहानी दोनों में लिखा गया। ये वेद यजुर्वेद क्या है, जो कर्म कर्म कांड प्रधान वेद है, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, यजुर्वेद पहला क्या है जो यह वेद, कांड प्रधान है, और ये गद और पद दोनों में लिखे गया है, यह वेद गद और पद दोनों में है, ठीक है। और यजुर्वेद में है ना यज्ञ नियमों और विधि विधानों का उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद में यज्ञ नियमों और विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। या और ये क्या है जो यजुर्वेद के मंत्र के उच्चारण करने वाले पुरोहित या अध्येता को क्या कहा जाता है, अर्धवायु कहा जाता है, क्या है, यानी यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा गया, या अध्येता को क्या गया, अर्धवायु कहा गया, ठीक है।
यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण उच्चारण करने वाले अद्वैता को क्या कहते हैं? अर्धवायु। अर्धवायु कहते हैं या कहा जाता है। अब इसमें क्या है, जो यजुर्वेद में कौन कौन से क्या है, आपका ब्राह्मण ये देखिए, हाँ इसके क्या है जो दो रूप है, यजुर्वेद के दो प्रधान रूप है, वो कौन कौन है? एक हो गया कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा हो गया शुक्ल यजुर्वेद। यानी यजुर्वेद के दो रूप है, ठीक है, यजुर्वेद को दो रूप है। पहला हो गया आपका शुक्ल यजुर्वेद, जिसको क्या कहते हैं, वाजपेयी संहिता इसको कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। और ये कृष्ण यजुर्वेद, इसकी चार शाखाएं हैं, शाखाएं हैं कौन कौन, तो हो गया काठक, कपिस्टल, मैत्रेणी, मैत्रेणी तैत्रीय, तैत्रीय ये आपका है यजुर्वेद के दो प्रधान रूप है ना, कौन कौन, तो एक हो गया शुक्ल और एक हो गया कृष्ण यजुर्वेद, यानी शुक्ल को वाजपेयी संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे उसके बाद क्या है, जो यजुर्वेद के ब्राह्मण हाँ यजुर्वेद के ब्राह्मण देखिए, तैत्रीय, तैत्रीय और तुम्हारा हो गया शतपथ, ठीक है, आपका उपनिषद, उपनिषद इस कठी, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर है ना, फिर क्या तैत्रीय, तैत्रीय ये आपका उपनिषद है, आरण्यक, अरण्यक हो गया शतपथ, अरण्यक तैत्रीय और वृद्धारण्यक, इसमें और भी उपनिषद में एक और देख लीजिए वृद्धा अरण्यक भी है, ठीक है। तो आपका अरण्यक में क्या हो गया, तो तैत्रीय, वृद्धा अरण्यक, वृद्धारण्यक और शतपथ, यह आपका हो गया किसका है, तो यजुर्वेद का है, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद, उपवेद हो गया धनुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का जो उपवेद क्या है, जो धनुर्वेद है, जिसका प्रवर्तक
धनुर्वेद जिसका प्रवर्तक प्रवर्तक विश्वामित्र, जिसका प्रवर्तक विश्वामित्र। ठीक है। और सर्वप्रथम यजुर्वेद का उल्लेख वाजपेय यज्ञ और रासु यज्ञ में मिलता है, यानी दो प्रकार का यज्ञ प्राचीन काल में, इस काल में सबसे महत्वपूर्ण था वाजपेय यज्ञ और रासु यज्ञ, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। तो यानी क्या हो गया, यजुर्वेद का किस यज्ञ में उल्लेख मिलता है, तो हो गया आपका वाजपेय और रासु यज्ञ में यजुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और हाथियों को पालने का उल्लेख यजुर्वेद में ही मिलता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम सर्वप्रथम यजुर्वेद का उल्लेख उल्लेख वाजपेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ में मिलता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, जो यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में ही हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है। तो कहने का तात्पर्य, आपका यजुर्वेद में सबसे पहला मतलब क्या है, जो वाजपेय यज्ञ और रासुय यज्ञ का मिलता है ना। और ये इसमें क्या है, जो किसका कर्म कांड है, ये कर्म कांड प्रधान है। ठीक है। अब उसके बाद क्या, जो हम चौथा वेद का नाम है अर्थवा, जो अर्थवा ऋषि द्वारा लिखा गया, इसलिए अर्थवेद पर। और इसके दूसरे द्रष्टा क्या थे, है ना, वो अब चौथा है जो अर्थ वेद, देखिए है ना।